हाय डियर, आज का जो वीडियो है हाउ टू राइट पार्ट 5, इस सीरीज के हमने 4 वीडियो और बनाए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास अगर कार होती है तो हम क्या बोलते हैं, आई हैव अ कार। और मान लीजिए अगर कार नहीं होगी तो हम क्या बोलेंगे कि मेरे पास कार नहीं है। तो इसी चीज को आप डू नॉट के साथ बोल सकते हैं आई डोंट। Do not को हमने शॉर्ट में यूज किया है यहाँ पे, आई डोंट हैव अ कार। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हमने डोंट का यूज क्यों किया। तो देखिए, इसकी कुछ बेसिक्स जानकारी आपको होना चाहिए। तो जब हम ग्रामर वाली जो सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें बताएंगे कि आखिर यहाँ पे डोंट क्यों आया, क्योंकि और कुछ भी तो आ सकता था, डोंट ही क्यों आया। तो इसका हम अलग सेपरेट जो सीरीज बनाएंगे ग्रामर की, जिसको हमने बोला है टेंस, हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको, उसमें इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर देंगे। अभी इस वीडियो में केवल आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो उसे डोंट के साथ बोल दीजिए। जैसे आपने बोला आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार की जगह कुछ और ले लीजिए, क्योंकि एक सेंटेंस में हमने कार ले लिया, एक सेंटेंस में हमने ले लिया बाइक। तो आप बोल सकते हो आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, आई डोंट हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है। अब इन दोनों सेंटेंस को आप फ्लुएंसी के साथ बोलना चाहते हो तो इन्हें थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि मेरे पास कार है किंतु बाइक नहीं है। तो यहाँ पे किंतु का सेंस कौन देगा, बट। तो आप बोल सकते हो आई हैव अ कार बट आई डोंट हैव अ बाइक। इसी तरह से आप बोल सकते हो आई हैव अ सेल फोन बट आई डोंट हैव अ लैपटॉप। तो इस तरह से आप अलग अलग सेंटेंस बना सकते हो। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कमेंट बॉक्स में इस तरह के 2 सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।